इज्जत महा माननीय जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सुबह जम्मू के ऑफिस बेरस जनाब हमारे जोन प्रेसिडेंट जनाब यहाँ पे तशरीफ रखे हुए हैं हमारी वुमन जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर एमएलए रहे हैं हमारे ओबीसी सेल के हमारे प्रेसिडेंट जनाब गनी जम्मू के प्रेसिडेंट जनाब विजय लोचन सदियों से जम्मू कश्मीर रियासत जो थी वो एक जन्नत थी लेकिन बदकिस्मती है कि इस रियासत के भी दो टुकड़े कर दिए लद्दाख यूटी अलग कर दी और जो हमारी रियासत थी जम्मू कश्मीर उसको भी यूटी कर दिया। मैं समझता हूँ कि तमाम हालात को देखते हुए सबसे पहले हमारी मांग जो है वो यही है कि स्टेट को हमें जो वापस लिया जाए कम से कम हम एक जो हमारा स्टेटस था वो स्टेटस भी हम आपसे जब छीना गया तो इससे ज़्यादा वो क्या दुखदायक हालत जम्मू कश्मीर के लोगों की हो सकती है वो आपके सामने। लेकिन इन तमाम बातों को सामने रखते हुए जरूरत इस बात की है कि हम पार्टी को किस ढंग से मजबूत किया जाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हजरात की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि उन डिस्ट्रिक्टों को हम देखें नए सिरे से देखें ब्लॉक लेवल पे क्या हमारी कमेटियां कंप्लीट हुई हैं ब्लॉक ग्रास रूट लेवल तक जब आप नहीं पहुंचेंगे जब तक उस बूथ का मैनेजमेंट सही नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि हम लोग अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम ग्रास रूट का वो आखिरी वोटर जो है उस तक हम अपनी रसवाई ना करें। क्या इसका विषय है? बेसिकली पार्टी एक्टिविटीज का पार्टी मेंबरशिप का और जो पार्टी हाल ही में जो कायद सानी और उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में मीटिंगें हुई जलसे हुए तमाम डिस्ट्रिक्टों के उस सिलसिले में एक पार्टी का फीडबैक लेना चाहते हैं कि फर्दर हमें क्या करना है फर्दर इसको कंसोलिडेट और सिस्टमाइज करने के लिए क्या करना है। और जो मुझे जिस तरह गुप्ता साहब ने कहा सिचुएशन जो इस वक्त रियासत में है वो सबसे आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस नोन फॉर द सिक्योर क्रेडेंशियल्स जो हमारे रहे हैं 47 से यानी आज की बात नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की लहर वहाँ से चली है 47 कश्मीर से जब रेडर्स ने हमला किया उस वक्त हमने उस चीज़ का मुकाबला किया हमें किसी की सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। आज उस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है आज नफरत फैलाने की बात की जा रही है आज कम्युनिटीज और कम्युनिटीज में दूरियाँ पैदा की जा रही हैं जो हमारी रियासत और हमारे मुल्क की यकजहती के लिए इतिहाद के लिए खतरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने स्टैंड को दोहराएगी उसके लिए काम करेगी और उन ताकतों का मुकाबला करेगी जो रियासत में मजहब के नाम पे कम्युनिटी के नाम पे सेक्ट के नाम पे तबके के नाम पे डिवाइड करना चाहते हैं उसको हम देखेंगे उसको बात करेंगे।